और हाँ पी फाइनल के ही और इनिशियल पे ही सेम हो जाएंगे। तो वो तो सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है, अपने इलास्टिक के लिए है। हाँ सर, इलास्टिक के करवाया था। ओके ठीक है। देखो तो आने वाले हैं कुछ देर, अगर रुकूं कि स्टार्ट करूं। पहले सर आज आप डाउट सेशन देने वाले हैं ना? मैं यार ये कराऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन है अपने पेपर में, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। कोफिशिएंट ऑफ कैसे रेस्टिट्यूशन बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद मैं डाउट ओके लेता हूँ, सर। ठीक है? तो सब लोग हैं? वो लग नहीं रहा है। राधिका यस माइक सर, ऑन करो, माइक ऑन करो। यस सर। क्या हुआ बताओ उस क्वेश्चन में, इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? हाँ सर, वो रेसिप्रोकल हो गया था, वो काट हो जाना चाहिए था। तो हाँ भाई सर, तुमको समझ। निकालना था कि स्लैब के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि हाइपोटेनियस आया था। हाइपोटेनियस बन जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन जो भी यस तुम्हारा सर। एंगल था, और फिर हाँ अपना सर, स्पीड निकालना। स्पीड कॉस निकालने के लिए फिफ्टीन वी होगा। विल यूज वो अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? यस सर, तो यस देखो हम कर रहे हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या मीनिंग होता है अपने हेड ऑन कोलिजन का? व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेड ऑन कोलिजन? वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के हेड्रोजन कोलिजन का एक ही मतलब ये होता डायमेंशन। है, वो वन डायमेंशन, ठीक है? वन डायमेंशनल कोलिजन, और पार्टिकल हमारा वो वन डायमेंशन में कब जाता है? व्हेन योर वेलोसिटी वेक्टर एंड योर एक्सेलरेशन वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, और यू कैन से वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है? तो देखो इसमें क्या है कि ये हमारे पास में एक सपोज M1 है, ये हमारे पास में M2। इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है V1, इसका वेलोसिटी सपोज यहाँ की तरफ है V2। तो सबसे पहली बात तो कोलिजन कब होगा, और जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम रहनी चाहिए। ये इसका पॉइंट सेंटर, ये इसका पॉइंट सेंटर, दोनों सेम लाइन में होने चाहिए, क्योंकि ग्रेटर हमें देन पता वी टू। है वी जो वन और ग्रेटर देन वी V1 वन ग्रेटर देन वी टू। जो है वो ज्यादा होना चाहिए, V2 कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी तो कोलिजन होगी। अगर V2 बड़ा हुआ फिर तो कोलिजन होगी नहीं, ठीक है? तो देखो इसके अंदर अगर मैं एक चीज लिखना चाहूँ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका मीनिंग क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? तुमने उसमें किया होगा काइनेमेटिक्स में, रिलेटिव वेलोसिटी सर, नहीं? इनिशियल वेलोसिटी बताओ। नहीं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब होता है कि द रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज एन डिक्रीजिंग। भाई अगर कोई चीज तुमको अप्रोच कर रही है, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस तुम्हारा कम हो रहा है ना, तो बताओ अगर आगे वाले का वेलोसिटी V2 है, पीछे वाले का वेलोसिटी V1 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस रेट से कम हो रहा है? V1 माइनस V2, ये आगे आ रहा है, वो उससे और आगे जा रहा है। तो भाई ये तो मुझे पता है कि V1 को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो मैं अप्रोच करेगा ना। अगर मान लो जो V1 है वो स्लो चल रहा है और जो V2 है वो फास्ट चल रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इनक्रीज इंक्रीज, जैसे सिंपल सी बात है ना, जैसे अपने एग्जांपल ले, सपोज एक बॉल है, इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एक आगे बॉल है, इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इनक्रीज हो रहा इंक्रीज हो रहा है। किस रेट से? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर वन मीटर हर सेकंड में इनका जो अपना डिस्टेंस है कितना इंक्रीज हो रहा है? 1, ठीक है? अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं, अगर इसका वेलोसिटी मैंने कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी मैंने कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड, तो अभी क्या कर रहे हो ऑब्जेक्ट में? अप्रोच डिक्रीज कर कर रहा रहे है, हैं? डिक्रीज नहीं, कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, अप्रोच डिस्टेंस कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है। अब जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं वो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट? क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है वो कितना बन जाएगा? 1? -1 मीटर। नहीं, जब वन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करते हैं तो वो स्पीड ही होता है, द रेट एट विच एंड डिस्टेंस इज कहते हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो अगर फिर तो पीछे फिर वाले वन का मीटर थ्री पर सेकेंड हो वन गया। यस तो हम बोलेंगे कि पर सेकेंड 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, इसीलिए अप्रोच, अप्रोच का मतलब यही होता है कि डिस्टेंस कम हो रहा है।
सेपरेशन का मतलब होता है कि हमारा जो अपना डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये दोनों आगे आ रहे हैं, इनका कोलिजन हुआ, तो कोलिजन होएगा तो एक ऐसा स्टेट आएगा कि ये बॉल है, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल टू, ये बॉल वन। बॉल टू बॉल वन पे कहां की तरफ फोर्स लगाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड, इसने यहां की तरफ फोर्स लगाया इसके ऊपर। बॉल वन जो है वो कहां की तरफ फोर्स लगाएगी बॉल टू पे? फॉरवर्ड, क्योंकि उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तुम खुद ही देख लो, अगर तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा है, तुम किसी को स्ट्राइक कर रहे हो, तुम कहां की तरफ फोर्स लगाओगे? आगे की तरफ। अब ये दोनों ही फोर्स कैसे हैं, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक ने आगे लगाया, एक ने अपने पीछे लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड अपने इक्वल होना चाहिए और दोनों का जो जो अपना डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट। तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम ले लूं, सो इफ आई टेक ए एंड बी एज सिस्टम, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो दोनों पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो फोर्स है तो इंटरनल बन गया, इंटरनल फोर्स का समेशन जीरो। तो मैं बोल दूंगा कि एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, जीरो। और एफ एक्सटर्नल जीरो होता है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम का जो है मोमेंटम है वो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट, मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहता है, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन जब ये बॉल आगे जाएगी, तो ये बॉल यहाँ पे है, ये बॉल यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी सपोज यहाँ की तरफ हो गया वी टू डैश, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ हो गया वी वन डैश। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, वी टू डैश बड़ा होगा या फिर अपना वी वन डैश बड़ा होगा? वी टू डैश ऑब्वियस सी बात है, अगर वी वन डैश बड़ा हुआ तो उसके अंदर नहीं घुस जाएगा वो, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो V2 डैश है वो बड़ा होगा, V1 डैश कम होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा भाई, जो इंसान मेरे से आगे जा रहा है उसका वेलोसिटी ज्यादा है, इट इज गोइंग फर्दर, ठीक है, मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ, तो मैं क्या हो रहा है, स्लो आ रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक वर्ड काम मिल रहा जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बताओ इस केस के अंदर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या बन जाएगा, v2' - v1, द रेट एट व्हिच डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, सेपरेशन है ना, तो यहां पे क्या बन जाएगा, v2' - v1'। तो ये हमारी कोलिजन की स्टेट है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, पॉइंट 1, तो दो ऑब्जेक्ट एक बार से ज्यादा कोलाइड नहीं कर सकते, नहीं, अगर कोलिजन हो गई तो एक तो आगे चला जाएगा, एक अपने पीछे आ जाएगा, तो बताओ उनका कोलिजन कैसे होगा, अगर सारी सरफेस स्मूथ हैं तो, और कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो। अगर तुम्हारे V2 की वैल्यू बड़ी हो गई, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है अब, तो वो तो हमेशा आगे चलता जाएगा ना, पीछे क्यों आएगा वो? अगर तुमने उसको आगे से रोक के धक्का मार दिया तो फिर कोलिजन हो सकता है फिर से, अदरवाइज नहीं होगा। In the absence of no external force, particle will collide only once. उसके बाद में वो दोनों अपने अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब पहले लगाते हैं, पहली चीज हमने क्या बोली कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, और यू कैन से कॉन्स्टेंट। तो क्या होता है, इनिशियल कितना मोमेंटम है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, फाइनली कितना है, M1 V1 dash plus M2 V2 dash. अब देखो यहाँ पे हमको सब कुछ उसके फॉर्म में लेना है, वेक्टर साइन में लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे एरो मैंने एक डायरेक्शन में लिए हैं, तो मैंने सब पॉजिटिव लिए हैं। अगर एरो तुम्हारे ऑपोजिट आ रहे हैं देन यू विल टेक एज साइन, क्योंकि ये मोमेंटम, सर मोमेंटम हम किसी भी पॉइंट पे लेके इक्वल कर सकते हैं ना, किसी भी पॉइंट पे इक्वल होगा, तभी मैंने बोला है कॉन्स्टेंट, हर पॉइंट पे मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, तो मैंने इनिशियल और फाइनल को सेम कर दिया। सर कोलिजन के बाद वो ऑपोजिट साइड में जाएंगे क्या, वेलोसिटी हो सकता है, हो सकता है ऑपोजिट में जाए, हो सकता है सेम में जाए, वो तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तब पता लगेगा, वो उस पे पता लगेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है कौन सा ऑब्जेक्ट लाइटर है, तुमने उसको कितना वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है, ठीक है। सपोज तुम हो, नहीं एक बार सपोज मैंने एक
बॉल को लिया और सामने एक बहुत बड़ा दीवार रखा हुआ है, वॉल है, मैंने बॉल को, उसके ऊपर मारा, वॉल पे मारा, तो क्या होगा? बॉल एंड वापस आएगा? नहीं, चलो मान लो उसी से आएगा, नहीं आएगा वो आगे की बात है, लेकिन वापस आएगा, है ना, रिबाउंड करेगा। लेकिन सपोज सामने एक छोटी सी कार जा रही है, उसको ट्रक ने उड़ा दिया, तो क्या हुआ? ट्रक तुम्हारा वापस आएगा क्या? नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये हम ना इक्वेशन से सॉल्व करके बताएंगे। अगर मेरी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई, मतलब दे आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ गया तो मतलब कि रिवर्स आ रहा है वो। तो ये चीजें डिपेंड करती है मास पे, कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट के जो मास है वो कितने हैं। मास अगर है ना, तो उसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हम अपने अज्यूम ऐसे करेंगे, फिर अपने इक्वेशन सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ओके तो पहली इक्वेशन तो हमने लगाई कि लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन आती है, सेकंड इक्वेशन में हम लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। स्मॉल ई एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि यह बताती है कि इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी, जैसे तुमने देखा होगा कि एक बॉल है, एक बॉल को तुमने अभी ग्राउंड पे फेंका, सपोज जब बॉल ने स्ट्राइक किया उसका वेलोसिटी था 5, और जब बॉल वापस ऊपर आ रही है तो भी उसका वेलोसिटी 5 है, तो क्या बॉल के काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ? नहीं हुआ। तो हम बोलते हैं इस वाले कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। तो अगर मैं बोलता हूं कि E इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। इसके लिए होता है E इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर तुम अपने घर पे करके देखो, तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को अपने फ्लोर के ऊपर फेंको, क्या तुम उसको जितनी हाइट से ड्रॉप करते हो उतनी हाइट पे आती है वो? नहीं। मतलब कि जिस वेलोसिटी से उसने स्ट्राइक किया, क्या उतने ही वेलोसिटी से वो आई? नहीं आई। तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस हुआ। यस। तो अगर E की वैल्यू आती है लेस देन 1, तो उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है, ठीक है। ओके, अब सपोज ऐसा हुआ कि तुमने बॉल को पकड़ा और तुमने ऊपर से फेंक दिया और बॉल नीचे जाके चिपक गई, ऊपर आई नहीं, ऐसा हो सकता है? सर अगर E जीरो, ठीक है, अगर सपोज तुमने घर पे वो देखा है जिससे अपने रोटी बनाते हैं, डग बनाते हैं, उसका बनाओ राउंड और उसको फेंक के मारो फ्लोर पे, क्या वो ऊपर आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं चिपक जाएगा वो तो वहां पे, ठीक है। मतलब कि तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी का कर कितना लॉस हो गया? मैक्सिमम, उसको बोलते हैं मैक्सिमम। तो उसको बोलते हैं E इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं परफेक्टली एग्जाम्पल देता हूँ अभी, है ना, पहले मैं बता दूं, तो इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, उसके लिए E की वैल्यू 0। तो इसके अंदर बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। ओके, अब देखो इसका एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। सपोज ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों का कोलिजन हुआ, यहां पे कोलिजन हुआ, एंड आफ्टर कोलिजन ये एकदम आइडेंटिकली ऐसे चले गए, ए और बी, शेप के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? के। यहाँ पे सपोज ये कितना है V1, ये कितना है V2, इसको बोल दिया V1 dash, इसको बोल दिया V2 dash, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आएगी? हाफ एम V1 dash का स्क्वायर प्लस हाफ एम
चलो इसको मैं वो ले लूँ, एम वन एम टू ले लो, एम वन एम टू वी टू डैश का स्क्वायर, यहाँ पे एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। तो सपोज तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास में दो बॉल है, तुमने एक बॉल को फेंका, उसके पीछे भी दूसरे बॉल को फेंका, कोलिजन हुआ और बॉल के शेप में कोई चेंज नहीं आया, तो इसको बोलते हैं इक्वल टू वन। इक्वल टू वन मतलब डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, होगा ही नहीं डिफॉर्मेशन। वो देखो जब भी कोलिजन होता है तो पहले चीजें क्या होती है, कंप्रेस होती है थोड़ी सी, फिर वापस वो अपने ओरिजिनल पोजिशन को रिगेन कर लेती है, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है ये सर, तो मतलब ये कंप्रेस होके गेन करेगा ना, ऐसा नहीं कंप्रेस ही नहीं होगा। नहीं कंप्रेशन होगा, लेकिन वो कंप्रेस होने के बाद में वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ना रिगेन कर लेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, ये वाली स्टेट जिसको मैंने छोड़ दिया खाली, उसके अंदर ये सब कुछ होता है। अब सपोज ये है, अब इसमें क्या हुआ कि ये था ए, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बिगड़ गया और थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका भी बिगड़ गया, ठीक है। इसका वेलोसिटी वी टू डैश नहीं v1 dash, इसका velocity v2 dash. Kinetic energy अब कितनी होएगी? Half m1 v1 dash का square plus half m2 v2 dash का. इसके अंदर loss हुआ है. इसको suppose बोला k final, इसको बोला k initial. तो मैं बोलूँगा k final जो है वो छोटा है k initial से. क्यों? जैसे suppose एक दो कार जा रही हैं, ठीक है? दो कार जा रही हैं, एक कार ने दूसरी कार को पीछे से ठोक दिया, तो थोड़ा सा structure change होता है, होता है ना भाई, उसका का बम्पर और क्या खराब हो जाता है और सामने वाले कार का डिग्गी खराब हो जाता है। तो अगर डिग्गी जो थी वो कंप्रेस हो गई तो उसके अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां से आया, हमारे दोनों सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई, तो इसलिए हम बोलते हैं ये वाली चीज, इसमें बोलते हैं ई इज लेस देन वन। फिर हमारे पास में आता है E इक्वल टू जीरो, E इक्वल टू जीरो, E इक्वल टू जीरो के अंदर बहुत ऐसा होता है A B, E इक्वल टू जीरो के अंदर दोनों ही ऑब्जेक्ट चिपक के चले जाते हैं एकदम पूरा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है इसके अंदर, और मैक्सिमम तुम्हारा डिफॉर्मेशन है मतलब कि जो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो कितना होता है मैक्सिमम, इसको बोलते हैं इक्वल टू जीरो। इसके अंदर बोथ विल मूव विद सेम वेलोसिटी, दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो ये हमारे पास में केस होते हैं। इससे हम बताते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन है वो क्या चीज है, वो ऐसी चीज है जो कि ये बताता है कि कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। देखो एनर्जी में लॉस नहीं होता, एनर्जी इज कंजर्व, बट ऐसा हो सकता है ना कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो, अब इसी चीज को फॉर्मुलेशन करना बहुत आसान है। तुमने यहां पे देखा कि भाई हमारे पास यार कितने वेरिएबल हैं, दो, एक अपना v1 dash एक v2 dash। पहली इक्वेशन हमने कौन से लगा दी, अपने मोमेंटम कंजर्वेशन की। सेकंड इक्वेशन जो होती है वो लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बताओ तुम्हारे पास में इक्वेशन भी एक और वेरिएबल भी दो, नहीं अपने पास में इक्वेशन भी दो और वेरिएबल भी दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। yes. बस और एकदम आसान, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर वो करता हूं क्वेश्चन, जैसे सपोज तुमको दिया हुआ है एक बॉल ये है एक बॉल ये है, इसका मास है 2 केजी, इसका मास है 6 केजी, इसका वेलोसिटी यहां की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है ना 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोलिजन होगा? हाँ सर। हाँ भाई होगा ना। ओके, तुमको दिया हुआ है E इक्वल टू हाफ, कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन है वो हाफ है, तो बताओ आफ्टर कोलिजन तुम्हारे दोनों बॉल्स के वेलोसिटी कितने हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या, हाँ बोलो सर, वो E इक्वल टू जीरो का जो केस है ना,
दोनों ऑब्जेक्ट चिपक जाते हैं सर, उसमें के ई लॉस मैक्स होता है, मतलब ये नहीं ना कि फाइनल के ई जीरो हो जाता है। नहीं 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 भाई देखो एक सेकंड, अगर काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा जीरो हो गया, मतलब कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी ये दोनों का वेलोसिटी जीरो हो गया, तो मतलब कि सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो गया। लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता, जब हमारे पास में इनिशियल है मोमेंटम तो फाइनल भी होना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, ये होता है सर, आपने बोला आटा को ऐसा कुछ, रोटी को नीचे गिराएंगे तो ऊपर, नहीं नहीं तो वो तो दीवार तुम्हारी है ना फिक्स है ना। हाँ सर, अब जैसे तुमने सेंट्रल पास वो क्वेश्चन किए थे कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, अपने उसमें किए होंगे वर्क पावर में। हाँ सर, तो एक तुम ये मान के चलो कि इन दोनों के बीच में स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज सेम। हाँ सर, तो मैंने मान लिया कि दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम हो गया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम है, मतलब सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। तो इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी है, मिनिमम। यस, तो ये हमारा स्प्रिंग मास है सिस्टम की तरह, मान के चल लो इसको भी। तो सपोज आफ्टर पोलिजन जब वो डो नीचे गिर रहा है तब मोमेंटम थोड़ी ना कंजर्व होगा, नहीं क्योंकि हमारा जो वॉल है ना, जो भी तुमने अपना फ्लोर जो है तुम्हारा वो किसी चीज के ऊपर फिक्स है ना, तो एक्सटर्नल फोर्स है। ओके सर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर मैं जाऊंगा। सर, ए जीरो होने के लिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो होना चाहिए ना। यस यस, वेलोसिटी देखो ना, अगर तुम्हारा ई का वैल्यू जीरो है, अगर तुम्हारा ई का वैल्यू जीरो है, मतलब अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो, मतलब की दोनों वेलोसिटी जो है दोनों की वो सेम है, मतलब बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। और बोथ ऑब्जेक्ट्स अगर दोनों, अगर दोनों में सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस है और दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो नहीं नहीं तो नहीं, 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 नहीं 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 मुझे बताओ, जब उनका कोलिजन हुआ तो वो दोनों चिपके हुए थे, बट कोलाइड तो करेंगे ही नहीं ना। नहीं 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 वो तो, अरे मैं तो आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूँ ना, जो सेपरेशन है वो कब आता है, आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिज, तो पहले पहले सपोज में एक का वेलोसिटी ज्यादा है, सेकंड वाले का वेलोसिटी कम है, जैसे रुको चलो पहले इसको करके बताओ इसमें क्या करोगे, जस्ट कोलाइड का केस लेंगे तो फिर तो नॉट डिफेंड आ जाएगा ना। क्या चीज सर, अगर दो ऑब्जेक्ट जस्ट कोलाइड करते तो सर वी ऑफ अप्रोच जीरो हो जाएगा, तो नॉट डिफेंड हो जाएगा। एक सेकंड, इसका मतलब क्या होता है, जस्ट ऑन कोलाइड का मतलब क्या होता है सर, तो दोनों का वेलोसिटी को इक्वल करना रहता है ना। अरे तो इक्वल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि वो तो इंटरमीडिएट स्टेट है, वो ये इंटरमीडिएट स्टेट है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो उसके पहले और उसके बाद की बात कर रहा हूँ भाई। इंटरमीडिएट स्टेट में तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगे, उनकी वजह से कुछ हुआ और अपना एक ऑब्जेक्ट आगे गया, एक ऑब्जेक्ट उसके पीछे जा रहा है। अब ये जो फोर्स है वो कैसे है वो कौन बताएगा, मैं वो बताएगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कि फोर्स कैसे हैं, और इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेसिस पर वो होगा डिसाइड कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ में जाएंगे या दोनों ऑब्जेक्ट मेरे अलग अलग जाएंगे। देखो एग्जांपल से करो, अभी बताता हूँ। देखो तो पहले मुझे इसका आंसर बताओ क्या आएगा, 3/2 or 1/2। तो जैसे इसको सॉल्व करना है तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 2 × 2 + 6 × 1, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल कितना है, 2v1 + 3v2। अब देखो अगर मैं v1 v2 पे साइन नहीं लगा रहा हूं, मतलब कि मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में अज्यूम किया है, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी सर, आपने 3 लिखा कहां पे, सर 6v2 होगा, 6 आएगा। हाँ तो ये कितना बन जाएगा, 2v1 + 3v2, ये मेरा बन जाएगा, ये कितना हो गया, 4 + 6 = 10, इक्वेशन 1। ओके, सेकंड इक्वेशन कौन से लगाऊंगा, वो 6v होगा। हाँ क्या बोल रहे हो सर, 6v2 होगा। अच्छा, अरे हाँ सर, 6v2, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, अगर तुम्हारा आगे वाला ब्लॉक v2 से जा रहा है, पीछे वाला v1 से जा रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 - v1 - v1।
तुम्हारा पीछे वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है टू से, आगे वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है वन से, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? वन. और तुमको ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हाफ. हाफ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? हाफ इक्वल टू वी टू माइनस वी वन. तो क्या बन जाएगा? टू वी टू माइनस टू वी वन इक्वल टू वन. ये हो गया इक्वेशन टू. अब यहां से आराम से निकाल लेंगे क्या आएगा. yes. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तो अपना वी टू का वैल्यू आएगा 11/8. हाँ yes, सही है ना. yes, और तो हमारा वी वन क्या बन जाएगा? वी वन बन जाएगा 11/8 माइनस हाफ. उसकी वैल्यू कैसी आ गई माइनस में, इसका मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. यस. तो हमको दिमाग नहीं लगाना है, जो आंसर आएगा आने दो. अगर मेरा आंसर माइनस में आ गया मतलब क्या हुआ कि आफ्टर कोलिजन जो ये वाला ब्लॉक है ये यहाँ पे आ रहा है 2 kg वाला, और ये ब्लॉक ये आगे जा रहा है, ये 11/8 से जा रहा है, ये 5/8 से यहाँ पे आ रहा है. तो अपने आप आंसर आएगा, हमें कुछ नहीं करना है. अब बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? तो पहले हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है, हाफ. मास कितना है? 2. उसका वेलोसिटी कितना है? सर फाइनल वेलोसिटी v1 7/8 होगा. 7/8 कैसे होगा बेटा? माइनस है. कहाँ है माइनस? अरे मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया. हाँ सर, v2 माइनस v1 1 हाफ गया ना, तो v2 को 11/8 सब्स्टिट्यूट किया तो वही. एक सेकंड, v2 माइनस v1, तो v2 को 11/8 करूंगा तो मेरा v1 क्या बन जाएगा? 11 माइनस 4 7/8 आ रहा है. 7/8 आ रहा है, कितना बन गया? प्लस 7/8. प्लस एक सेकेंड, 16 का फैक्टर आ रहा है ना यहाँ, तो 22-8. ओके ठीक है, तो कितना आएगा? 7/8. तो आने दो, ये लो. तो मतलब क्या हुआ, एक ही तरफ जा रहे हैं दोनों, एक ही साथ एक ही तरफ. हाँ ओके, जाने दो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा. ओके अब बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ. तो पहले लिखते हैं इनिशियल एनर्जी. तो इनिशियल कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ 6 × 1 का स्क्वायर. तो कितना बन गया? 8 और 3 11 जूल. नहीं 11 नहीं, 7 जूल. काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या बन जाएगा? हाफ इंटू 2 × 7/8 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 6 × 11/8 का स्क्वायर. क्या आएगा हम बताओ? 49/68 प्लस 3 कितना आएगा? 121 × 3 कितना होता है? 64. अरे यार क्या हो क्या रहा है कैलकुलेशन आज. अभी ऐसी गलती तुम एग्जाम के अंदर मत करना कल, है ना. यहाँ पे मार्क्स नहीं कटा, वहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे. ये कितना बन जाएगा? 363/64 ना. तो ये बन जाएगा भाई 2 1 ठीक है 4 है ना, इतने जोर. तो हमारे पास में एनर्जी लॉस हुआ है, ये जो अमाउंट है दैट इज लेस देन 7 जूल ना. तो हमारे पास में एनर्जी लॉस हुआ, इसकी वैल्यू आती है 6.43. तो एनर्जी लॉस हुआ, बता देंगे इनिशियल माइनस फाइनल हमारे पास में लॉस हुआ. अगर इसी केस के अंदर सेम क्वेश्चन में, इन सेम क्वेश्चन अगर तुमको दिया हुआ है इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तो क्या होगा?
अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो दिया हुआ है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर अपना जीरो हो गया तो क्या हुआ, हम बोलेंगे कि क्या दिया हुआ, एक साथ चलेगा, तो 2 इनटू 2 ये तो हमारा इनिशियल मोमेंटम प्लस 6 इनटू 1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा 6 प्लस 2 इनटू v, 6 प्लस 2 हमारा a की वो बन गया ना मास v, तो हमारा v का वैल्यू क्या बन जाएगा 10 बाय 8 क्या 10 बाय 8 10 बाय 8 होगा। अरे यार क्यों सही में आज कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 10 बाय 8 अब देखते हैं कि क्या काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ। काइनेटिक एनर्जी जो हमारा इनिशियल था वो तो कितना आया था 7 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना बन जाएगा हाफ, मास कितना हो गया 8 और स्पीड कितना हुआ 10 बाय 8 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 100 अपॉन 16 50 बाय 8 25 बाय 4 जूल। तो ये जो हमारे पास में जो लॉस आया दिस इज द मैक्सिमम लॉस, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी का। अगर यहां पे ई का वैल्यू होता 1 तो क्या होता, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता ही नहीं, 7 जूल ही होता था, 7 जूल ही आता। हाँ तुम्हारे जो अपने वेलोसिटीज हैं वो अलग अलग हो जाते लेकिन काइनेटिक एनर्जी के अंदर लॉस नहीं आता। और करो देखो तुमको एक स्पेशल केस अभी अपने बताता हूँ उसको सॉल्व करके बताओ मुझे। आपने अभी जस्ट जो बोला वो 7 जूल हो जाएगा। जब तुम्हारे पास में कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है मतलब E equal to 1 है तब। हाँ अब देखो स्पेशल केस, तुमको दिया हुआ एक मास m है इसका वेलोसिटी है v1, एक मास m है इसका वेलोसिटी v2 है और तुमको दिया हुआ E equal to 1, तो बताओ आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी कितना होगा और इसका वेलोसिटी कितना। चलो सॉल्व करो सर, एक्सचेंज हो जाएंगे ना। हाँ तो उसको इक्वेशन से, उसको इक्वेशन से सॉल्व करके बताओ। V1 equal to V2 V1 equal to V2 कैसे आ जाएगा? अगर V1 equal to V2 हुआ तो तुम्हारे पास है ना कोलिजन कैसे हुआ? V1 equal to V2 dash बोला। अच्छा तो देखो आफ्टर कोलिजन हमने अज्यूम कर लिया सपोज इसका वेलोसिटी हो गया सपोज x, इसका वेलोसिटी सपोज हो गया y सपोज, और वो हमने एरो भी अज्यूम कर लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लगेगी m v1 plus m v2 equal to m x plus m y, मतलब v1 plus v2 equal to x plus y, equation 1। अब सही है सब लोग? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। गुड। राजवर्धन है क्या? कल के पीटीएम में कौन कौन थे? मैं कौन, नाम बताओ। अद्वैत। अद्वैत सर मैं भी। सोनल। हाँ सर मैं भी। तुम लोग, तू भी था, अथर्व भी था, दृष्टि भी थी। हाँ
तो भाई थोड़ा सा इंटरेक्टिव है ना, रहा करो क्लास में, आंसर वांसर दिया करो। सर आप भी थे क्या? हाँ आप थे क्या गलती मिट्टी में? भैया मैं ही तो था। अच्छा वहाँ पे जीबी सर लिखा था। हाँ ठीक है चलो। फिर हमने लगाया सेकंड इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आएगा? वाई माइनस एक्स। अप्रोच कितना आएगा? वी वन माइनस वी टू। ठीक है तो ये कितना दिया हुआ है? वन। तो यहां से क्या बन जाएगा? वी वन माइनस वी टू इक्वल टू वाई माइनस एक्स, इक्वेशन टू। अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, पहले सपोज मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दूंगा तो अपने ना वी टू कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास में आएगा v1 इक्वल टू y और v2 इक्वल टू x। मतलब क्या हुआ देखते हैं डायग्राम में, कि जो मेरा x, x की वैल्यू कितनी आ गई v2 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई v1, तो क्या देखने को मिल रहा है? वेलोसिटी इंटरचेंज हो गए, राइट? तो ये मेरा एक स्पेशल केस है। नोट व्हेन m1 equal to m2 and e equal to 1, so velocities will interchange। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो कैसा आता है देखते हैं। वो बोलते हैं कि सपोज एक बॉल है जिसका मास m है, वो यहाँ पे गई, इसका वेलोसिटी v है, एक यहाँ पे एक और मास है, इसको स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, यहाँ पे एक और मास है, तो बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग? और तुमको दिया हुआ e इक्वल टू वन, कैसे करोगे? तुमको क्वेश्चन में दे दिया फाइंड मैक्सिमम, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। सर वो स्टेशन मास मतलब जो पहला वाला वो स्टेशनरी हो जाएगा, उसको v वेलोसिटी मिल जाएगी और फिर काइनेटिक एनर्जी। तो देखो तो सबसे पहले हमको पता है कि स्प्रिंग का फोर्स एकदम से चेंज नहीं होता है, तो स्प्रिंग तो फोर्स है ना लगाने वाली है नहीं। इसको सपोज मैंने a बोल दिया, इसको b बोल दिया, a और b का जब कोलिजन होगा तो देखो इक्वल मास है और तुम्हारे पास कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन कितना दिया हुआ है 1, तो वेलोसिटीज विल इंटरचेंज। तो ये जो है a, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, फिर ये m और ये m। अब क्वेश्चन है कि इसका वेलोसिटी v है, फिर ये, अब हमारा क्वेश्चन अलग ही हो गया, इसको तो भूल जाओ ना, कुछ यूज ही नहीं है इसका। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया है कौन सा? वर्क पावर एनर्जी का, कि दो मास को स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, एक का वेलोसिटी v है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है? जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वो कब होएगा? जब इसका वेलोसिटी भी कितना होगा? v by 2, इसका वेलोसिटी भी कितना होगा? v by 2। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके अंदर मैक्सिमम होएगा x कंप्रेशन। अब क्या लगाओगे? सर c वाला तो स्टेशनरी रहेगा ना? कौन सा c वाला? कैसे मूव कर रहा है वो स्टेशनरी वाला? मतलब नहीं, c वाला में आफ्टर सम टाइम है ना मूव करेगा ना, जब स्प्रिंग को देखो जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब होगा ना, स्टेशनरी हो ही अंदर आए सर। क्या चीज? नहीं, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है? व्हेन बोथ द पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी, बोथ द एंड्स आर हैविंग सेम वेलोसिटीज, व्हेन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो। अबे ये तो किया हुआ है वर्क पावर में, तो इनिशियली सी रेस्ट पे होगा, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद। हां यस 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 सर, तो ये जो स्टेट है ये तो आएगी आफ्टर लॉन्ग टाइम, ठीक है, और एट दैट इंस्टेंट इसका वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। जब कोलिजन हुआ, जस्ट कोलिजन हुआ, तो सी का वेलोसिटी जीरो ही है, बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जब वो तुम्हारा मास है वो उसको जाएगा, कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन वाली स्टेट जब भी आएगी उस पॉइंट पे क्या होगा? दोनों मासेस का वेलोसिटी वेक्टर सेम होगा, तो मैंने उनका वेलोसिटी वेक्टर सेम कर दिया, फिर मैंने लगा दिया मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मैंने देखा कि दोनों ही मास का जो अपना वेलोसिटी कितना आएगा? v by 2, v by 2।
अब यहाँ पे लगा दिया एनर्जी, हमारे पास में इनिशियली कितनी एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और अभी कितनी है, हाफ एम वी बाई टू का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी बाई टू का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन हुआ वो कितना हुआ। इसी चीज को बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। वो तुमसे एक ही क्वेश्चन के अंदर, देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया, कोलिजन भी लगा दिया, एक के अंदर उसने अपने मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा दिया, एक ही के अंदर उसने एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा दिया। और मैक्सिमम कंप्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था कि दोनों पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, उसको भी लगा दिया। तो जो भी तुम्हारा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि भाई दोनों जो हैं वो ऐसे रहे। सर वो v by 2 कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आया। v by 2, अरे एक बात बताओ, ये मास m है सर, और वो सेम डायरेक्शन में कैसे है सर, वो लास्ट वाले इक्वेशन में क्या। हाँ हाँ एक सेकंड, ये मेरे पास में केस है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, कैसे निकालोगे बताओ? स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है, जब कंप्रेशन के बाद रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती। जब दोनों पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तो मतलब मैंने बोल दिया कि m m इसका वेलोसिटी भी कितना होना चाहिए, इसका वेलोसिटी भी u होना चाहिए, इसका वेलोसिटी भी u होना चाहिए। अब मैंने लगा दिया इन दोनों पे स्प्रिंग फोर्स, तो इंटरनल फोर्स बन गया, तो इंटरनल फोर्स बन गया तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम शुड बी कंजर्व। तो हमारे पास में इनिशियली कितना था, एम यू प्लस जीरो, और अभी कितना है, अरे वी, ये टू एम यू हो गया, और अभी कितना है, एम यू प्लस एम यू, तो हमारे पास में यू का वैल्यू कितना बन जाएगा, वी बाई टू। तो मतलब जब मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा तो हमारे दोनों मासेस का जो वेलोसिटी है दैट विल बी v by 2, v by 2। अब हमने एनर्जी लगाया क्योंकि सारे कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं ना, स्प्रिंग फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने लगा दिया कि हमारा इनिशियल एनर्जी, और इनिशियल हमारे पास बस काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में जीरो थी। फाइनली हमारे पास में ये काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की और ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। कहानी खत्म हो गई भाई, जब ए ने बी से स्ट्राइक किया तो उसको जो भी वेलोसिटी बी को देनी थी उसने दे दी। अब उसके बाद में, उसके बाद में, हाँ उसके बाद में ए का तो कोई रोल है ही नहीं, वो तो पिक्चर से बाहर हो गया। अब कौन बच गया, बी बच गया, सी बच गया और स्प्रिंग बच गई। बस अब हमको इनको देखना है। तो अब मैं बोलूंगा कि इस सिस्टम में जो मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा वो कब आएगा, जब मेरा लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा, जब दोनों का वेलोसिटी वेक्टर सेम होगा, उस पॉइंट पे स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। फाइन, क्या बोल रहे हो, प्रैक्टिकली कैसे हो सकते हैं? तो प्रैक्टिकली तो हो रहा है ये, और कैसे हो रहा है भाई? अगर तुमने स्प्रिंग के किसी एक पार्ट को वेलोसिटी दे दी तो स्प्रिंग कंप्रेस होएगी ना, कंप्रेस होएगी तो आगे वाले पॉइंट को अपने पुश करेगी। लेकिन जब तुम इनिशियली देखोगे तो आगे वाले पॉइंट का वेलोसिटी कम है, पीछे वाले पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन कब मैक्सिमम होगा, जब तुम्हारे आगे वाले पॉइंट का वेलोसिटी और पीछे वाले पॉइंट का वेलोसिटी सेम हो जाएगा। हाँ बताओ, किसने पूछा था? हाँ बताओ,
देखो इसके अंदर और स्पेशल केस देखते हैं, और स्पेशल केस. इफ वन मास इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अदर, जैसे एक हमारे पास, एक हमारे पास में अर्थ है और उसके ऊपर तुमने एक मास को फेंक दिया, एम को फेंक दिया, तो बताओ क्या होगा? क्या अगर मैं तुमको ऊपर से उठा के फ्लोर पे फेंकूंगा तो मतलब कि अर्थ हिलेगी? क्यों? क्योंकि अर्थ का मास तो भाई बहुत बड़ा है, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो हमको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि मास बहुत बड़ा है. जैसे अगर तुम इसको इक्वेशन से भी करना चाहो ना, तो देखो मैं इसको इक्वेशन से भी अपने करके मैं बता सकता हूं. पूरा इक्वेशन से कर देते हैं. तो पहले मैंने बोला कि m1 v1 plus m2 v2 should be equal to क्या होना चाहिए, m1 v1 dash plus m2 v2 dash, ये है ना? ये तो हमारी पहली इक्वेशन होगी. और हमारी जो अपने ने सेकंड इक्वेशन क्या होती है, v2 dash minus v1 dash upon v1 minus v2, v1 minus v2, ठीक है? बताओ किसको अज्यूम करना है, मैं हैवी किसको अज्यूम करना है, वन को या टू को? ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास में m1, ये हमारे m2, किसको अज्यूम करना है हैवी? m2. अरे बोलो सर, m2. ओके ठीक है, सपोज m2 इज वेरी बिग, तो m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो मैं फाइंड करता हूं v2 को, फाइंड कर लेता हूं मैं, ठीक है? तो चलो अगर v2 को फाइंड करना है तो किसको एलिमिनेट कर दोगे सर? अगर बहुत ज्यादा मास डिफरेंस है जैसे अर्थ और कोई बॉल में, तो ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करेगा क्या? लेकिन ग्रेविटी इज नॉट इंपल्सिव फोर्स ना, जैसे स्प्रिंग फोर्स ये होते हैं, ये इंपल्सिव फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है? फिर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, कैंसिल आउट होने दो, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं. वर्टिकल एक्सिस पे कंजर्व नहीं कर सकते ना? हां सर. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि ग्रेविटी इज नॉट द इंपल्सिव फोर्स, तो हम जो भी बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, ठीक है? तो वर्टिकल एक्सिस पे कंजर्व करेंगे तो, अरे अरे सुनो तो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्रेविटी इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो हम उसको जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंड जस्ट बिफोर द कोलिजन वी कैन इग्नोर. जैसे हमने स्प्रिंग को इग्नोर किया ना, आफ्टर कोलिजन क्या होगा आई डोंट नो, तो हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, दैट्स इट. तो चाहे ग्रेविटी हो या ग्रेविटी ना हो, आई डोंट केयर. अब मुझे v2 dash find करके बताओ इन दोनों equation से क्या बन जाएगा. हाँ भाई करो करो बताओ. अरे यार v2 का expression find करके बताओ ना क्या आएगा. दो इक्वेशन दो वेरिएबल हैं यार, सॉल्व करो. तो पहले इस वाली इक्वेशन को अपने मल्टीप्लाई कर दो m1 से, ठीक है? इसको m1 से अपने मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी v1 minus v2 होगा ना?
यहाँ पे, हाँ वी वन माइनस वी टू माइनस वी टू, ठीक है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो मैं M1 से, तो क्या बन जाएगा M1 V1 dash equal to, अरे स्पेस ही नहीं है, और फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया M1 से तो ये बन जाएगा E times M1 V1 minus V2 equal to M1 V2 dash minus M1 V1 dash, ये equation 1 ये equation 2। अब इन दोनों को add कर दो तो जो हमारा V1 dash है वो क्या होगा, cancel out हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा क्या आएगा V2 dash, और वो बन जाएगा M1 plus M2, और ये यहां से क्या बनेगा यहाँ से बनेगा ई एम वन वी वन माइनस ई एम वन वी टू। तो यहाँ से कुछ अपने कॉमन लो एम वन एम टू की फॉर्म में, एम टू प्लस एम वन प्लस एम टू वी टू, तो सर एम वन वी वन कॉमन ले सकते, तो एम वन वी वन M1 V1 कॉमन लिया, ठीक है ले लो, तो M1 V1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 plus 1 नहीं M1 V1, हाँ ठीक है तो 1 plus E, और इधर V2 कॉमन ले लिया, इसमें क्या कॉमन ले लिया V2 V, नहीं यार मुझे यार सिमेट्री बनानी है ना, सिमेट्री बनानी है जिसके अंदर मतलब M1 plus M2 मेरे पास आए ताकि मैं उसको अपने कैंसिल आउट कर सकूं ना, उससे अपने डिवाइड करूंगा तो कुछ आना चाहिए ना नीचे की तरफ, तो M1 plus M2 जिसके अंदर कॉमन आए वो लो, M1 plus M2 किस में आएगा सर, किसी में नहीं है सर, आ ही नहीं सकता, हां सर M1 plus M2 आ ही नहीं सकता इस केस में, तो क्या उसमें आ ही नहीं सकता, नहीं सर। सर अगर M2 V2 कॉमन ले लेंगे फिर M1 by M2 कर सकता। तुमने किया M1 V1 लिया तो यहाँ पे आया 1 plus E, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया तुमने V2, तो अंदर क्या बचेगा M2 minus EM1 EM1 अपॉन नीचे आ गया M1 plus M2 upon M1 plus M2 equal to अपना V2 dash। अब यहाँ पे तुमको लगाना है approximation, कि जब approximation लगाओगे तो कैसे लगाओगे, if M2 is greater greater than M1 then मैं कह सकता हूँ कि M2 नहीं M1 by M2 ये हमारा approximately क्या बन जाएगा zero, देखो ना एक बहुत छोटे से नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो बन जाएगी। सर फिर M2 plus M1 अप्रोक्सीमेटली M2 बन जाएगा। हाँ तो या फिर ये भी कह सकते हो कि M2 plus M1 को अप्रोक्सीमेटली वो लिख दो M2, ओके M2 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम कर दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, सर तो M1 plus M2 को सीधा M2 में, सर फिर वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा लेफ्ट वाला, कौन सा सर लेफ्ट वाला, क्योंकि M1 न्यूमरेटर में और नीचे M2 M1 V1 1 plus E upon M1 plus M2 plus V2 M2 M1 plus M2 minus E M1 V1 upon M1 plus M2 equal to V2 dash। अब करो, अब M1 plus M2 का approximately क्या put कर दोगे M2, ये M2, ठीक है, और M2 मेरा बहुत बड़ा है तो M2 by तो मतलब M1 है वो क्या बन जाएगा, ये चीज जीरो, ये हमारे पास में जीरो, तो जीरो प्लस सर वो माइनस के बाद EM1 V2 नहीं आएगा क्या, कहाँ पे है, हाँ सर वो V1 नहीं V2 होगा LHS में सबसे राइट वाला, हाँ ठीक ठीक, हाँ अब देखो ये यहाँ भी सेम चीज बन रही है M1 upon M1 plus M2, ये भी हमारा कहाँ की तरफ चला जाएगा जीरो की तरफ, और ये चीज क्या बन जाएगी
वन, तो मेरा आंसर क्या बन गया वी टू, तो मतलब कि वी टू डैश इक्वल टू वी टू, तो मतलब कि हैवियर जो ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। भाई अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, अगर तुम अगर मान लो अपने लोकल ट्रेन के सामने खड़े हो गए और लोकल ट्रेन ने तुमको उड़ा दिया, तो लोकल ट्रेन का स्पीड थोड़ी ना चेंज होता है, तुम्हारा ही तो चेंज होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मासेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक ही इक्वेशन अगर लगानी पड़ती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, हमको दो इक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एग्जांपल, ये हमारे पास एन फ्लोर है, एक फ्लोर मतलब की एक मिनट से लास्ट वाला पॉइंट सर, लेकिन अगर वो छोटे ऑब्जेक्ट को भी बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दिया तो फिर तो ये एप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा ना। हाँ फिर काम नहीं करेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में ऐसे होते नहीं है ना। अब तुम बताओ सामने में अर्थ रखा हुआ है, तो मैं तुमको कितना वेलोसिटी दूं कि तुम लगे अर्थ के कंपैरिजन में आ जाओगे? बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो तो फिर इम्पॉसिबल नहीं है ना यार, मतलब हम तो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, कोई अपने कहते हैं क्वांटम एंड फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं कि हमारा जो वेलोसिटीज है 10^7-8 में चला जाएगा। हमारे वेलोसिटीज कितने होंगे? 100 meters per second, उससे ऊपर थोड़ी ना होंगे। हाँ सर, तो उसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ना मैकेनिक्स, उसके अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब हम क्वांटम में जाएंगे तो फिर हमारी चीजें बदल जाएंगे, क्योंकि वहां पे वेलोसिटीज 10^6, 10^7 में होती है। तो जैसे ये हमारे पास में अर्थ है, एक बॉल को मैंने फेंका, ठीक है, जब ये स्ट्राइक कर रही है तो इसका वेलोसिटी है 20 meters per second, ठीक है, और जब ये वापस जा रहा है तो वेलोसिटी हो गया है इसका 15 meters per second। तुमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो हमको पता है अर्थ तो वैसी रहेगी, तो देखो वेलोसिटी ऑफ यहां पे अप्रोच कितना है, अप्रोच का मतलब पास में आने का रेट कितना है, 20 meters per second। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब कि मुझसे दूर जाने का रेट कितना है, 15. तो क्या बन जाएगा 15/23/4। तो ये जो कोलिजन है, कौन सा कोलिजन बन गया, ये इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, ठीक है ना। ओके, अब जैसे और देता हूं, सपोज एक वॉल है, वॉल ये यहां की तरफ जा रही है, इसका वेलोसिटी है 2 meters per second, ठीक है। एक बॉल को मैंने फेंका यहां की तरफ, इसका वेलोसिटी है 6 meters per second, और तुमको e का वैल्यू दिया हुआ है 1, तुमसे पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन। चलो कहते ट्राई करो, इनडायरेक्टली बताएंगे हमेशा, डायरेक्टली नहीं बताएंगे, वो बोलेंगे ए पार्टिकल इज थ्रोन ऑन द अर्थ। अब तुम बोलोगे सर मास ही नहीं दिया अर्थ का, तो एट दैट पॉइंट यू हैव टू थिंक, ठीक है, जैसे मैंने दे दिया वॉल और बॉल, अब मुझे पता है ना वॉल के कंपेरिजन में बॉल क्या ही है, और उसका स्पीड भी कितना दिया हुआ है 6 ही दिया हुआ है, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा वॉल पे। सर 8 meters per second है क्या राइट के? नहीं, तो देखो ये तो हो गया बिफोर कोलिजन राइट। अब मैंने डायग्राम बनाता हूं, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ये वॉल, वॉल तो अपने यहां पे जाएगा ना 2 meters per second से जाएगा। सपोज मेरा बॉल है वो यहाँ की तरफ जाएगा आफ्टर कोई, उसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया v। अब मुझे यहाँ बताओ वेलोसिटी ऑफ मतलब अप्रोच कितना है, इसका वेलोसिटी 2, इसका वेलोसिटी 6, दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया
8, क्योंकि इनका जो अपना डिस्टेंस है वो 8 मीटर पर सेकंड से कम हो रहा है, वो भी पास में आ रहा है, ये भी पास में आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, आगे वाला v से जा रहा है, उसके पीछे v माइनस 2, उसके उसके पीछे पीछे जो वॉल आ रही है उसका वेलोसिटी 2 है, तो क्या बन जाएगा v माइनस 2, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन e इक्वल टू v माइनस 2 अपॉन 8, क्या दिया हुआ e का वैल्यू 1, तो v कितना बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। If collision is elastic. Sir, but अगर हम लोग वॉल को स्टेशनरी मान ले और वो बॉल की स्पीड को 8 मीटर पर सेकंड कर दे, हाँ तो जो हमारा वेलोसिटी 8 जो आएगा किसके फ्रेम में आया, वॉल के फ्रेम, अच्छा हाँ वॉल के फ्रेम में, लेकिन हमको तो आंसर ग्राउंड फ्रेम में देना है, वेक्टर एडिशन कर दोगे 2, तो चाहे वैसे कर लो चाहे एक ही बात है, हाँ सर है ना, ओके। तो ये हमारे पास होते हैं हेड ऑन कोलिजन, एकदम इजी है, कुछ नहीं, दो फॉर्मूले हैं बस, हमको देखना है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट कहाँ आ रही है, लाइन ऑफ इंपैक्ट जहां पे आएगी वहां पे हम इन्हें कर देंगे। अब ना यूट्यूब यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, ठीक है, मैं देखता हूँ वीडियो मिलेगा क्या, जैसे तुमको बोला हुआ है ना कि एक बॉल को अगर मैं एच हाइट से थ्रो करता हूं तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जा सकती है, हाँ अगर एक बॉल को मैंने एच हाइट से ड्रॉप किया सर, एच अगर एच तक जा सकती है, अगर अगर ई वन हुआ तो, हाँ यस, क्या उससे अगर ई वन हुआ तो एच, अगर उससे ऊपर भेजना हुआ तो क्या करूंगा मैं सर, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं नहीं अगर इन द एब्सेंस ऑफ बड़ा होना चाहिए, क्या वो करोगे, तरीका करोगे सर, ऐसा कोई अगर इलास्टिक सस्पेंड सब्सटेंस है जिसको कोलाइड करके ऊपर बढ़ जाए, मतलब देखो मैं तुम एक ठीक है, एक रुको तुमको एक चीज दिखाता हूँ, दिख रहा है स्क्रीन, यस सर, रुको अब इसको होने दो, पता नहीं कितनी देर में आएगा, अबे इतना टाइम, सर ये वही है ना जिसमें हम छोटी बॉल को बड़ी बॉल के ऊपर रख के ड्रॉप करते हैं, यस 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 यस, अबे कितना टाइम लगा यार ये, ज़ूम के वजह से होगा, हाँ ज़ूम बैकग्राउंड में चालू है तो टाइम लगता है, चलता है यार, आया ना स्टैक बॉल, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट यही है कि हैवी ऑब्जेक्ट,
हाँ बताओ भाई ऐसा क्यों हुआ? सर जो बाकी दो बॉल्स थे उनकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। नहीं 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 पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आ गई? सबकी मतलब जो उसका नहीं सर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई वो उसके मटेरियल में। नहीं 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 तुम यार गलत चीज पे चले गए। नहीं रीजन वो नहीं है जो तुम कह रहे हो पोटेंशियल, क्योंकि हाइट सबकी ऑलमोस्ट सेम ही है ना। हेलो तो देखो क्या हो रहा है, मैं बताता हूं। सपोज मैंने बॉल को फेंका तो ठीक है, उसने तो अपने तीन बॉल ली, दो डिफॉर्मेशंस का इनर्जी मिल रहा था उसको। दो बॉल लेता हूं मैं बस, एक बॉल ये है इसका मास बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इसके ऊपर वाली बॉल, ठीक है, और दोनों को ही इससे फेंका, एच हाइट से फेंका, तो बताओ जब हैवी वाला बॉल है ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा उसका स्पीड कितना होगा? रूट टू जी एच। रूट टू जी, ठीक है, तो मैंने बोल दिया उसको, मैंने बोल दिया वी, वी इज रूट टू जी एच। तो जब ये स्ट्राइक कर रहा है ये हैवियर बॉल, इसका स्पीड यहाँ की तरफ कितना है? रूट टू जी एच। इसके ऊपर जो बॉल रखी हुई है इसका स्पीड भी यहाँ की तरफ कितना आएगा? रूट टू जी एच आएगा ना, क्योंकि भाई उसने भी तो उतना हाइट ही कवर किया है। अब देखो सपोज मैंने दे दिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुमको, मैंने दे दिया 1, तो जब ये हैवियर बॉल वापस बाउंस बैक होगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? रूट टू जी एच ऊपर की, रूट टू जी एच ऊपर की। यस, तो इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गया रूट टू जी एच। लेकिन जो छोटे वाली बॉल है इसका स्पीड कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ, रूट टू जी एच। ठीक है, अब देखो अब हैवी बॉल और जो लाइट बॉल है उसके बीच में होगा कोलिजन, लेकिन मुझे पता है कि हैवी बॉल का वेलोसिटी तो उतना ही रहेगा, कितना हो जाएगा? रूट टू जी एच। लेकिन अब इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? टू इंटू रूट टू जी एच। तो आफ्टर कोलिजन जब ये ऊपर जाएगी तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 3 times रूट टू जी एच। अब देखो ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच कैसा बराबर है, तो इसका वेलोसिटी कितने टाइम्स हो गया? 3 times तो times. इसकी तो हाइट आएगी, इसकी हाइट कितने टाइम्स हो जाएगी? 9 times सर। 3 times कैसे है? भाई देखो ना इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, इसका कितना है? नीचे की तरफ रूट है 2gh, तो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है इस केस में कितना है? 2 into root 2gh है ना भाई, वो दोनों एक दूसरे का अप्रोच कर रहे हैं। अब देखो इसको ऊपर जाना है तो उसको x बोल दो, सपोज इसको x बोल दिया तो x minus root 2gh should be equal to कितना होना चाहिए? 2 into 2gh, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3 into root 2gh, तो उसकी हाइट कितनी चली जाएगी? 9 times। अगर मैं इसके ऊपर एक और बॉल रख दूंगा तो उसका वेलोसिटी कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 times, तो उसकी हाइट कितनी जाएगी? 25 times। तो जितनी ज्यादा बॉल एक के ऊपर एक रखते जाओगे तुम्हारे उस ऊपर वाले बॉल की हाइट ज्यादा चली जाएगी। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कहीं नहीं आया, इसके अंदर सिर्फ ये है कि हर बॉल का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो छोटे वाले बॉल को छोटा सा मोमेंटम भी देगा तो उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाँ भाई बताओ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हेड ऑन कोलिजन में? मैंने सारे के सारे वैरायटी वाले क्वेश्चन करवा दिए, बाकी सिंपल वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि दो बॉल आ रही है उनका वेलोसिटी इतना है क्या होगा, वो तो इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है। तो वो तो अपनों ने जो ये वाला क्वेश्चन किया है ना, कौन सा? ये वाला, इसके बेसिस पर हो जाएंगे सारे। फाइन, पार्थ? हाँ सर। पार्थ? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, मैंने एक क्वेश्चन भेजा था आपको। हाँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा, पहले ये बता इसमें कुछ दिक्कत? नहीं नहीं। सोनल? यस सर।
समझ में आया? हाँ सर समझा। कर लोगे कल के पेपर में? सर हाँ थोड़ा आज रात को प्रैक्टिस करूंगी तो हो जाएगा। हाँ तो इसमें बैठ के जो तुम्हारे में एससीवी के सॉल्व एग्जांपल हैं तो उनको एक बार देख लेना और कहते तीन चार क्वेश्चन करके देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा नहीं। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा जब तुम्हारे पास में इसका मतलब अगला एक्सटेंशन आएगा, मतलब ओब्लिक कॉलेज, उसके अंदर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। सर तो इसके एचसीवी के क्वेश्चंस कहाँ से? हाँ मतलब एचसीवी में हम कहाँ तक करें इसको कवर करने के लिए? तो जहाँ तक हेड ऑन कोलिजन है उसमें स्ट्रेट लाइन की कोलिजन जहाँ तक दिख रही है वहां तक कर लेना, वो तुमको पता लग जाएगा। यार देखो जब तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो ना आइडिया लग जाता है कि ये चीज हमको करवाई हुई है कि क्यों नहीं कराई हुई। ठीक है ओके। पार्थ ने क्वेश्चन मुझे भेजा था। आप पार्थ क्या क्वेश्चन है वो? सर ऑप्टिक्स का है। एक सेकंड रुको, किसका है? बुकलेट का है किसका है? चलो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ थ्री। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल वेसल, सिमिलैरिटी लगा के हुआ था। ओके तो ये तुमको दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ओके। एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का तुमको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कंसीडर द रे लीविंग द वेसल थ्रू ए कॉर्नर, सपोज दिस रे एंड द क्या बोल रहा है यार ये? वो एक्सिस सर, जो आपने जो वर्टिकल लाइन आपने बनाया है बीच में, उससे एक रे पास करेगा और एक कॉर्नर से पास करेगा। ठीक है अच्छा, तो बोल रहा है अच्छा हमको इमेज बनानी है, देखो कॉर्नर से तो लाइट जाएगी उसका इमेज कहाँ बनेगा, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर पे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है भाई देखो। ठीक है और पानी कहाँ तक भरा हुआ है? चलो ठीक है तो पानी पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ का म्यू दिया हुआ है तुमको कितना? 4/3। तो देखो यहाँ से यहाँ पे लाइट गई। ठीक है अब देखो ये बन गया नॉर्मल, तो लाइट यहाँ पे ऐसे जाएगी कुछ, इस एंगल को थीटा बोल दिया, ये एंगल हमको पता है कितना है, ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना बन जाएगा? 37 degrees। तो अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला वहां पे बाहर के, तो मैंने लिखा 1 into sin theta equal to 4/3 into sin 37। तो sin theta की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4/3, और साइन 37 कितना होता है? 3/5, तो कितना आ गया? 4/5। तो हमारा थीटा कितना बन गया? 53 डिग्री। तो 53 मतलब कि मुझे लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। ओके तो बताओ, अरे अब तो हो जाएगा, ये देखो ये एंगल कितना 53, ये 53, तो ये एंगल भी 53। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? इसको सपोज x बोल दिया, तो क्या बन जाएगा? 10 x 53 = 3/x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/53 होता है 4/3, तो 9/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4/9, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया? 4 - 9/4। ये हमारा हो गया शिफ्ट और ये हो गया एपरेंट। ठीक है भाई पार्थ? सर समझा। सर अगर किसी क्वेश्चन में बाहर का व्यू दिया नहीं है तो हम बाहरी कंसीडर करते हैं जो
सर अगर बाहर का म्यू दिया नहीं है तो हम वन कंसीडर करके, अगर बाहर का म्यू नहीं दिया हुआ है तो वन, अगर कहीं का भी म्यू हमको दिया हुआ नहीं है ना तो वो हमारे पास वन है। ओके सर। ओके और बताओ। डाउट्स? सर प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल नहीं आ रहा ना? हाँ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल नहीं करना ना? नहीं वो नहीं, बस ये शिफ्टिंग वाला पेडल शिफ्ट जो है ना वहां तक बस। बताओ भाई और ऑप्टिक्स में सेंटर ऑफ मास में। नहीं है सर, डाउट सेशन हो गया था। ओके चलो फिर आप प्रिपरेशन करो एग्जाम का अच्छे से, है ना, और अच्छे से करना। सर एक चलो बाय बाय। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट है। तो बोलो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? सर वो एचसीएम एचसीबी में सीओएम का क्वेश्चन नंबर 18। क्या? सर क्वेश्चन नंबर 18 सीओएम का। हाँ तो तुम क्वेश्चन भेजो यार एक बार। हाँ सर। सर ऑफलाइन क्लासेस का कब से स्टार्ट हो? अरे देखते हैं, जब अभी कुछ नहीं कह सकते। सर यहाँ पे स्कूल चालू हो गए। अरे स्कूल को भाई कहते थे गवर्नमेंट ने बोल दिया, हमको बोला नहीं है। सर एचएम सर तो कल बोल रहे थे। क्या बोला? सर नेक्स्ट मंथ के एंड से चालू हो जाएगा। हाँ तो उन्होंने भी अब टेंटेटिव है ना बताया ना, एग्जैक्ट नहीं बताया ना। हाँ, जब मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो क्या बोल सकते हैं। मोदी जी ने भी पहले लॉकडाउन तो 21 दिन का ही लगाया था, तो उनको थोड़ी पता था कि उसके बाद क्या होने वाला है ना। सर भेज दिया आपको क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? ए न्यूटन इन इनिशियल डिग्री। हाँ क्या हुआ इसमें? तो इसमें समझ में नहीं आ रहा सर। अरे यार इट्स लाइक ए बॉम्ब, एक बॉम्ब है जो फट गया है, ठीक है, तो फिर हमको अपने मोमेंटम ना कंजर्व करना है। तो बेसिकली उसको उतने पार्टिकल में डिवाइड करके कंजर्व कर देना मोमेंटम। हाँ और क्या भाई, हमको कोई मोमेंटम अगर दिया हुआ है ना उसका, किसका, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हमको दिया हुआ है, हमको एंट्री जो न्यूट्रॉन है उसका भी दिया हुआ है मोमेंटम, ठीक है, तो तन उसका आ जाएगा, प्रोटॉन का आ जाएगा मोमेंटम वेक्टर एडिशन से। हाँ सर। बस हाँ भाई बताओ और बस। चलो फिर ठीक है, अब अपना ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, थोड़ा अच्छे से करना कामली। सर अभी मैथ होगा ना? हाँ होगा ना, अभी क्लास है ना। हाँ सर।